नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन पिंडा। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के बाद आखिर मोदी सरकार ने क्या क्या देश में किया, 7 साल पहले देश की क्या हालत थी, क्या स्थिति थी और 7 सालों में देश क्या से क्या बन गया, कौन कौन से वो वादे किए मोदी सरकार ने जो पूरे नहीं हुए और कहाँ कहाँ मोदी सरकार को कामयाबी मिली, कहाँ नाकामयाब रह गए। तो आज के इस वीडियो में पूरे आंकड़ों के साथ हम बात करेंगे देश में कि जीडीपी की क्या स्थिति है, देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। साथ ही ये भी देखने को अभी मिला है कि 7 साल पूरे होने के बाद जो बीजेपी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कई जगह जश्न मनाते हुए नजर आए, शायद उनको देश की स्थिति के बारे में पता नहीं है। तो आज हम उनको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि देश का क्या हाल हो गया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ दिनों पहले मन की बात जो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, शो मन की बात, उसमें वो अपने मन की बात करते हैं, जनता के साथ शेयर करते हैं अपनी बातें, अपने थॉट्स। तो मन की बात का एक टॉपिक मन की बात ट्विटर हैंडल अकाउंट से पोस्ट किया गया था, पावर ऑफ पॉजिटिविटी। अब इसको थोड़े समय बाद डिलीट भी कर दिया गया क्योंकि इतनी आलोचना हो गई इस टॉपिक की। लोगों ने कहा कि जहां देश में एक तरफ पॉजिटिव लोग मरे जा रहे हैं, कोरोना से पॉजिटिव हुए लोग, और ऐसे में आप पावर ऑफ पॉजिटिविटी की बात करेंगे, जिसके बाद इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने फिर भी पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव टॉपिक पे बात किया, अपने पॉजिटिव जो उन्होंने काम किए हुए हैं, अपनी कामयाबी को गिनाया, कोरोना के बारे में चर्चा की कि कैसे देश कोरोना से निपट रहा है, लेकिन कई चीज़ों पर उन्होंने सेलेक्टिवली बातें की, कई चीज़ों पर उन्होंने चर्चा ही नहीं की। उन्होंने जीएसटी पर चर्चा नहीं की, उन्होंने जीडीपी पर ज़्यादा चर्चा नहीं की, उन्होंने ब्लैक मनी जो वापस लाने वाले थे उस पर बात नहीं की, उन्होंने मेक इन इंडिया जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था उस पर बात नहीं की, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है इस पर खुलकर बात नहीं की। तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट पर उन्होंने बात नहीं किया। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी ने बात नहीं की वो हम बात करेंगे। समझिए कि ये हमारे मन की बात है जो हम जनता के साथ शेयर करना चाहते हैं और जनता को बताना चाहते हैं कि आखिर देश की क्या स्थिति हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी से, क्योंकि 2020-21 में जीडीपी शुरुआत हुआ तो अभी -7 के आसपास जो है, -7% के आसपास जीडीपी जो है वो चला गया है। जरा देखिए इस रिपोर्ट में कि भारत का जीडीपी आखिर 2014 में क्या था और अभी क्या से क्या हो गया। चलिए अभी अभी तत्काल में 2020-21 के जीडीपी के आंकड़े आए हैं, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। -7.3% के रसातल में हम जाकर बैठ गए हैं। सरकार 7 साल की उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन क्या विडंबना है कि 7 साल पहले 2014 में जीडीपी ग्रोथ थी 7.14%। अगर लग रहा है कि ये तो कोरोना का कहर है, तो महामारी से पहले 2019-20 में भी हम 4.18% ग्रोथ पर खड़े थे। जहां एक तरफ मोदी सरकार ने यह वादा किया था कि 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हम 10 करोड़ जो जॉब्स हैं, नौकरियां हैं, वो देश में देंगे। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आंकड़े हम आपको बता रहे हैं 2014 के, तो 2014 में 5 करोड़ लोग लगभग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरी करते थे, अपना काम चलाते थे। वहीं ये घटकर 3 करोड़ के आसपास पहुंच गया 2019-20 में। जी हाँ, अब सोचिए जरा कि जहां सरकार एक तरफ वादा कर रही थी कि हम इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है डबल कर देंगे, वहीं डबल तो छोड़िए, ये जितना था उससे भी आधा हो गया। इकोनॉमी और जीडीपी जैसे कठिन शब्दों से दुर्गति की तस्वीर साफ नहीं दिख रही है, तो चलिए आम आदमी की भाषा में इसको समझते हैं। NSSO डेटा के अनुसार 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1% थी, जो पिछले 45 वर्ष में सबसे ज्यादा थी। अभी की बात करें तो 30 मई 2021 को CMIE के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर 11.8% है। इस साल नौकरी पेशा लोगों की हालत ये है कि करीब 1 करोड़ लोगों की नौकरी भी चली गई है। जो नौकरी में है उनकी सैलरी कम बढ़ रही है। AON हेवटिस्ट एनुअल सैलरी सर्वे के अनुसार 2014 में सैलरी में बढ़ोतरी 10% थी, जो कि 2020 में मात्र 6.1% तक रह गई। आमदनी बढ़ी नहीं, महंगाई जरूर बढ़ गई। अच्छे दिन आएंगे का वादा कर आई सरकार ने पेट्रोल डीजल में आग लगा रखी है। जून 2014 में पेट्रोल का दाम दिल्ली में 71.51 रुपये प्रति लीटर था, जो कि 31 मई 2021 को 94.23 रुपये प्रति लीटर हो गया। इसी तरह जून 2014 में डीजल का दाम दिल्ली में 57.28 रुपये प्रति लीटर था, जबकि 31 मई को 85.15 रुपये प्रति लीटर हो गया। कहने को तो तेल के दाम को बाजार आधारित कर दिया गया, लेकिन इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के दाम घटते गए और सरकार ने ड्यूटी बढ़ा बढ़ाकर आम आदमी की जेब खूब काटी है। चलिए बात कर लेते हैं कि देश में आखिर जो है सरकार क्या कर रही है। देश की सरकार जो है हम कह सकते हैं कि अमीरों को अमीर बना रही है,
और गरीबों को गरीब बना रही है, मिडिल क्लास को गरीब बना रही है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। जी हाँ, क्विंट में छपी एक रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है, जरा सुनिए क्या लिखा गया है। हम ट्रंप जैसे नेताओं के आने पर गरीबों के इर्द गिर्द दीवार खड़ी करते हैं, लेकिन हमारी गरीबी उचक उचक कर दुनिया को अपना मनहूस चेहरा दिखा रही है। 2014 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 76 देशों में 55वां था, जबकि 2020 में भारत 107 देशों में 94 नंबर पर रहा। PEW रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की मिडिल क्लास जनसंख्या 3.2 करोड़ कम हो गई है, जबकि 7.2 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। यानी जिस मिडिल क्लास को रईस बनाने का ख्वाब दिखाया गया था, वो सिकुड़ रहा है, गरीब हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि इस साल अडानी ने कमाई में जेफ बेजोस और एलोन मस्क को पीछे छोड़ दिया है। फोर्ब्स की अप्रैल 2021 रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी ने जैक मा को पछाड़ दिया है। ये जरूर है कि अरबपतियों के मामले में भारत 3 नंबर पर हो गया है। GDP की तुलना में कॉरपोरेट का मुनाफा इस साल 10 साल के सबसे ऊपर पहुंच गया है। सारी लिस्टेड कंपनियों का संयुक्त मुनाफा इस साल 57.6% बढ़ गया है। अमीर और गरीब में खाई बढ़ाना उपलब्धि है तो वाकई तारीफ होना चाहिए सरकार की। कहां तो किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा लेकर आए थे, आज 6 महीनों से किसानों से लगातार जंग चल रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2014 में 5,650 किसानों ने आत्महत्या की थी, जबकि 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 5,957 हो गया है। भारत देश की अगर बात करें तो 2014 तक सब सही चल रहा था, यहां तक कि 2015-16 में भी देश की स्थिति ठीक थी, GDP का ग्रोथ भी ठीक था। वहीं अगर बात करें तो अभी जो देश की स्थिति है, ये अब सोचिए जरा आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि बांग्लादेश जैसे देश, जो छोटे देश हैं, गरीब देश हम जिसको कहते थे, उसकी जो GDP है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही हो गई है। अगर बात करें घरेलू उत्पाद की, तो घरेलू उत्पाद से GDP को वो 16% देता था, अब उसकी जो ये 16% का आंकड़ा है, ये बढ़कर 18% तक हो गया है। जहां एक तरफ भारत का लगातार कम होते जा रहा है, वहीं बांग्लादेश जैसे देश जो हैं वो लगातार आगे आ रहे हैं, तो ये कितनी शर्म की बात है, जरा सोचिए आप। अब चलिए कंक्लूजन पे बात करते हैं कि आखिर देश की स्थिति किस तरीके से खराब हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे नोटबंदी की। नोटबंदी आने से देश के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास तबके के लोग थे, उनकी कमर टूट गई। जी हाँ, वो ATM के बाहर घंटों लाइन में लगे रहे हैं, बैंक्स के बाहर घंटों लाइन में लगे रहे हैं अपने नोट को बैंक में डिपॉजिट करने के लिए। वहीं कई लोगों ने ये कर लिया तो कई लोगों ने नहीं किया। मोदी सरकार ने ये दावा किया था कि नोटबंदी जब हम कर रहे हैं, डीमोनिटाइजेशन कर रहे हैं, तो इससे ब्लैक मनी जो है, काला धन, वो हम वापस ले आएंगे। काला धन का तो पता नहीं, लेकिन जिसके पास, जिसके खून पसीने मेहनत की कमाई वाला धन था, वो भी कहीं ना कहीं गायब हो गया, माइनस में चला गया। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी GST की। GST जब से देश में लागू हुआ, सरकार ने इससे टैक्स चोरी को बंद करने के लिए GST लागू किया। टैक्स का जो चलन है उसको आसान, उस प्रक्रिया को आसान करने के लिए GST लागू किया देश में सरकार ने। इससे सरकार ने ये वादा किया था कि इससे देश की स्थिति जो है, जो व्यापारी समूह के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन उससे हुआ क्या, जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटी दुकानें चलाते हैं या छोटे लेवल पर व्यापार करते हैं, उनका व्यापार तो समझिए कि बर्बाद ही हो गया, बेड़ा गर्क हो गया पूरा का पूरा। तो ये थी आज की तमाम अपडेट्स, जो अभी तक 7 साल में मोदी सरकार ने काम किया है देश में, देश की क्या स्थिति हो गई है आपको भी नजर आ रहा है। कोरोना काल को हटा भी देते हैं तो देश की स्थिति 2014 में ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही थी। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP India, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि आखिर देश का क्या हाल हो गया है। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही सही, सटीक और आंकड़ों वाली खबरें जो हैं आपको मिलती रहें निष्पक्ष तरीकों से। देखते रहिए DNP India। धन्यवाद।